सामईन हजरात, न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक के जानिब से जलसा सीरत पाक दिसंबर 2016 नात तकरीर का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाज फरमाए। जुमला गयावी मरकजी सीरत कमेटी से सलाम, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। आप देखें उलमा अपनी मोहब्बतों का और अपनी मुखलिसाना मुशफिकाना रविश पर कायम है और इस्तकबाल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब ये साथ में आपके आए हैं क्या? ये जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, आपने बहुत अदब और इत्तेहाम। मैं माफ कीजिएगा, मैंने मोहब्बत की बात की। आप थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह आपकी इस आवाज को सलामत रखे। आप आमीन नहीं कहते, क्या चाहते हैं? गूंगे हो जाए, आमीन तो कहते। मैंने कहा कि मेरे भाई की इस आवाज को अल्लाह सलामत रखे, आमीन कहते मोहब्बत के साथ में। मेरे भाई ने जाते वक्त जो है दरअसल मेरे चेहरे पर ये दीवार बन रहा है, इसलिए मैं चाहता कि इसकी हैसियत को मैं गुम कर दूं, उसके लिए माफ़ करना। अल्लामा साहब की तशरीफ लाए, अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के। मेरे भाई शहनवाज हसन ने जाते जाते अजीब गरीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा कर दिया और उसने नकीबुल अशराफ शहनशाह बगदाद विलायत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी वलियों के शहनशाह सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पाकीजा बारगाह के तस्वुर में हाजिरी भी करा दी उसने। मैं दुआ करता हूँ औलिया के और इल्म के उलमा के इस शहर के जर्रों के तवसुल से मेरे मौला हर शख्स को सरकार गौसे आजम की रोजे की ज्यारत से मुशर्रफ फरमाए। दिल से आमीन कह दे, दिल से आमीन कह दे। कबूलियत का वक्त है। वो जमीन है बगदाद शरीफ की जिसके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ की जमीन को जमीन ना कहो बल्कि इसे अर्ज़े इजाबा कहा करो, इसे अर्ज़े इजाबा कहा करो। जो दुआएं बड़े बड़ों की जबान से निकलकर कबूल नहीं होती है वो गौसे आजम के शहर के जर्रों के वसीले से कबूल हो जाती है। आवाज पहुंच रही है आप हजरात तक? जो लोग बहुत पीछे बैठे हुए हैं जरा सिर्फ अपने हाथों को उठा के बता दें कि आवाज मेरी पहुंच रही है। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात तक। अब एक टॉपिक है, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। ये मिसरा है डॉक्टर इकबाल ने, मुसव्वर पाकिस्तान कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे जावेद इकबाल को जब एक खत लिखा था तो उसमें इसी शेर का मफहूम रकम किया था। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये मुफलिसी ये गुर्बत क्या वाकई शाहाना हुकूमत को जेर कर सकती है? आइए जब मेरे भाई ने हसन साहब ने आपको बगदाद तस्वुर में पहुंचाया है तो मैं चाहता हूँ कुछ लम्हे वहां कयाम भी कर लें। कुछ लम्हे ये तलबा बैठे हुए, मुझे इनके पैरों की मिट्टी चाहिए, उलमा के कदम की बरकतें मिल जाए। बहुत बहुत बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार गौसे आजम जरा अपने हाथों को उठा के बोल दें या गौसे आजम। इतनी खामोशी से तो मैं इस स्टेशन पर मुसाफिरों से आवाज बुलंद करवा लेता हूँ। आप आशिक हैं तो जरा उसी अंदाज में बोले, जोर से बोले अपने हाथों को उठा के या गौसे आजम। जरा और दिल से बोले या गौसे आजम। देखिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब मुझे कोई पुकारता है, जहां पुकारता है मैं वही रहता हूं जहां पुकारने वाला रहता है। ये खुशखबरी आपके लिए, फिर से कह दें या गौसे आजम। अगर कहें तो एक और बात हल्के से कह दूं, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं लेता। अल्लाह, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं लेता। इसका मतलब ये जितने लोग नाम ले रहे हैं इसमें मर्जी गौसे आजम की शान। यार इससे बड़ी नेमत क्या होगी, इससे बड़ा इनाम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब टॉपिक भी वही है और जिक्र भी सरकार गौसे आजम का निकला है, इतनी बातें गौसे आजम के हवाले से होंगी, या तो आप अपने आप को बगदाद में पाएंगे या बगदाद वाले को अपने शहर में पाएंगे। इंशाअल्लाह कह दीजिए, जोर से बोले इंशाअल्लाह। सरकारे गौसे आजम की जात है। टॉपिक देखिए, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। ये टॉपिक है, मोमिन अगर दरवेश भी हो फकीर हो तो उसे फकीर में कहना ये हुकूमतों के चोले ही ला सकता है। मेरे आका सरकारे गौसे आजम है, दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा बगदाद की मार्केट में आया 1 दीनार फी मीटर,
एक दीनार फी मीटर सबसे महंगा कपड़ा। इस वक्त वहां की करेंसी बहुत डल है, लेकिन जब बहुत हाई करेंसी थी उस वक्त की बात करता हूं। एक दीनार एक रुपया फी मीटर कपड़ा बगदाद की मार्केट में बिक रहा है, सबसे महंगा दुनिया का कपड़ा। कोई खरीदने को तैयार नहीं सिवाय बगदाद शरीफ के बादशाह के। सरकार गौसे आजम को मालूम हुआ कि बगदाद शरीफ की मंडी में सबसे कीमती कपड़ा आया है। आपने पैसे दे के अपने गुलाम को भेजे, कहा खरीद लाओ मुझे भी सबसे महंगे कपड़े से अपने लिए जुब्बा शरीफ। देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अदब से सुनेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। देखा है सरकार गौसे आजम के रोजे को भी देखा है, मजार मुकद्दस को ताबीज को भी देखा है, और आपकी चादर शरीफ को भी देखा है। अल्लाह का एहसान है कि गौसे आजम के चेहरे को भी देखा, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन ले बात, दिल वाले बैठे हैं तो दिल की बात करता हूँ। सरकारे गौसे आजम ने दर्जी को दिया जुब्बा शरीफ बनवाने के लिए, सबसे कीमती कपड़ा दुनिया का। मोमिन हो तो मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। यही टॉपिक है, टॉपिक से हटेंगे नहीं इंशाल्लाह। सरकारे गौसे आजम के पास दर्जी आया, कहा सरकार गजब हो गया, कपड़ा एक आस्तीन कम पड़ गया। देखिए कपड़ा एक आस्तीन कम पड़ गया है और सबसे कीमती कपड़ा मंडी में खत्म हो गया। मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। सरकार गौसे आजम कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जहां कपड़ा कम पड़ गया है वहां टाट का पेवंद लगा दे, टाट की आस्तीन लगा दे। दर्जी ने सरकार गौसे आजम के हुक्म पर अमल किया, दुनिया का सबसे कीमती जुब्बा शरीफ और उस पर टाट का पेवन, टाट की आस्तीन पहनकर सरकार गौसे आजम बगदाद के बाजार में निकले। गुलामों ने कहा सरकार ये क्या, इतना कीमती कपड़ा सिर्फ बादशाह पहनता है बगदाद का, आप पहने हुए हैं लेकिन टाट का पेवन, टाट की आस्तीन। जवाब सुनो मेरे गौसे आजम का, फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे कीमती कपड़ा पहनता हूं ताकि बादशाहों के गुरूर को तोड़ सकूं, ताकि बादशाहों के गुरूर को तोड़ सकूं, और उस पर टाट का पेवन लगाता हूं ताकि मैं अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ सकूं। ये जवाब है मेरे आका गौसे आजम का। सुने आप, बात खत्म नहीं होती है। ऐसे ही कीमती जुब्बा शरीफ पहनकर बगदाद की मंडी में तबलीग दीन के लिए गौसे आजम निकले। जरा फिर से बोल दो या गौसे आजम। सरकारे गौसे आजम मेरी जिंदगी भी है, मेरी आखिरत भी है, मेरी जान भी है, मेरा ईमान भी। आप नहीं बोलते तो मैं दरख्तों की पत्तियों को गौसे आजम जिंदाबाद के नारे लगाने की सलाहियत, समझ रहे हैं, बैठे अदब के साथ में। तो सरकारे गौसे आजम निकले, एक चोर ने देखा तो नीयत खराब हो गई, गली में छुप के खड़ा हो गया। जैसे इस राह से गौसे आजम गुजरेंगे आपके जुब्बे शरीफ को खींच के भाग जाएंगे, मार्केट में बेच देंगे, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। सरकारे गौसे आजम जब वापस गुजरे तो चोर ने आगे बढ़कर के सरकारे गौसे आजम के जुब्बे शरीफ पर अपना हाथ लगाया, जैसे जुब्बे शरीफ को खींचना चाहता था। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, अय मेरे मौला, इसने अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया, छूटने मत देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, छूटने मत देना। 800 साल से ज्यादा हो गए, आज तक दामन गौसे आजम से वो लिपटा हुआ। मोमिन है तो करता है फकीरी भी शाही। मालिक बिन दिनार बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अपने हुजरे में टूटी हुई खानकाह में अल्लाह को याद कर रहे हैं। दो चोर चोरी करने के लिए अंदर दाखिल हुए, बहुत ढूंढा कुछ नहीं पाए। जब वापस जाने लगे तो मालिक बिन दिनार कहते ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? दोनों ठहर गए। फरमाते तुम्हें मेरे घर में दुनिया न मिल सकी तो कम से कम दीन ही लेते जाओ। यार अगर सहसराम कहो तो वो बात दिल तक लग जाए तो दिल से बोल दिया करो। समाज अगर दुनिया न मिल सकी तो दीन ही लेते जाओ। ठहर गए, कहा मेरे पीछे पीछे मस्जिद आओ। दोनों चोर को लेके मस्जिद चले गए मालिक बिन दिनार। नमाजियों ने कहा हुजूर ये कौन है जो अंदर आपके साथ एंट्री कर रहे हैं? मालिक बिन दिनार कहते हैं ये दोनों चोर मेरे यहाँ चोरी करने आए थे लेकिन मैंने इनको चुरा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने इनको चुरा लिया और खुदा के हवाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। इस मौजू पर बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू के लिए मैं खूबसूरत ज़ात अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला गयाबी को
माजी करीब में मुझे एहसास हुआ था इनका ताल्लुक कुछ सियासत से, लेकिन दिल के अंदर जो मिल्लत की तर्जमानी करने वाली सोच थी वो गालिब आई। दिल के अंदर जो मसलक और मशरब की तरवीजो अशाक का जज्बा था वो हावी हुआ और आज फिर लौट आए अपनी पुरानी पिच पर और अपनी खिताबत के हवाले से कामयाबी का इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर रहे हैं कि शोर का कैलकुलेटर भी फेल होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैंने टॉपिक बता दिया, मौजू बता दिया, शख्सियत को आपके हवाले करना चाहता हूं। इस्तकबाल करने के लिए आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? खुदा कसम बहुत बड़े खतीब हैं हमारे इस्तकबाल करने के, वो मोहताज नहीं है। हमारे सच्चे झूठे लफ्जों से उनकी शोहरत का ग्राफ नहीं बढ़ जाएगा। हाँ ये है कि अगर हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई तो हमारी अजमत में, हमारे मेयार में इजाफा होगा। तकरीर सुनकर के तहजीब की जुल्फे संवार सकते हैं, सकाफत की तहलीज के मियार को बुलंद कर सकते हैं, मजहबी कल्चर को फिर से वापस लौटा सकते हैं। तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में चाहता हूं कि पूरा मजमा अपने हाथों को उठा ले, अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क़िबला गयाबी का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज का चराग और अगर इसकी लौ को तेज कर लेते तो रोशनी और बढ़ जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत पाक, मरकजी सीरत कमेटी से सलाम, फजाइल अहले बैत मुस्तफा, उस शाकाने सरकारे गौसे आदम, फैदाने सरकारे गौसे आदम, असीराने सरकारे गौसे आदम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आज की तकरीब की आखिरी आवाज जीस्त की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन। जीस्त की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। मेरे नूर के जलवाबार बावकार उलमाए कराम शोरा इस्लाम दूर दराज से मरकजी सीरत कमेटी के जलसे पाक में तशरीफ लाने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनहु व नस्तगफिरहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين आइए हम और आप निहायत ही अदब व इहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला बदन ये ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك سلم صلاتهم وسلاما عليك يا رسول الله صلاتهم وسلاما عليك يا حبيب الله। हजरात, पूरे हिंदुस्तान में ससराम का ये मरकजी सीरत कमेटी का जलसा तारीखी है, यादगार है और मैं समझता हूँ जितने उलमा शोरा खुतबा तशरीफ ला रहे हैं वो सारे लोग इस बात की तायद करेंगे कि इस तरह का जलसा पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है तो ये आपको क्रेडिट जाता है, आप काबिले मुबारकबाद हैं कि गौसे आजम के दीवाने हैं तब ना दिन रात नबी का जलसा सुन रहे हैं। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करेंगे और नकीब आजम हिंदुस्तान हजरत अलहाज हाफिज कारी मौलाना आसिफ रजा सैफी साहब को भी मुबारकबाद पेश करेंगे कि बिहार और बिहार के तारीखी शहर ससराम में मरकजी सीरत कमेटी के इस इजलास में इतना लंबा वक्त इन्होंने दिया है।
अभी मैं अनवर रजवी साहब से पूछते आ रहा था कि आसिफ रजा साहब के टाइम के लिए हैं, तो बोले कल तक के लिए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों ने जादू कर दिया क्या, इतना बड़ा हिंदुस्तान का नसीब और आपको इतना लंबा टाइम दे दिया है। बहुत सही बात है, हम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए और मैं अपनी जानिब से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। हमारा उभरता हुआ शायद शहनशाह तरन्नुम जनाबे शाहनवाज साहब जो उड़ीसा से तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छी नाशरी पढ़ते हैं, आपने सुन लिया होगा। खतीबे ज़िशान हज़रत अल्लामा मौलाना शोएब रज़ा असवी साहब, उनका भी खिताब आपने समाअत फरमाया। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने मौजू पे आ जाऊँ, जो हमें दिया गया है उसी के ऊपर कुछ देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूं। मगर उससे पहले हुजूर ताजुश शरिया का मैं चंद शेर बतौर तबर्रुक पेश करना चाहता हूं। हुजूर ताजुश शरिया खनकते हुए सिक्के का नाम है और आज के दौर में सुन्नियत की पहचान है, इसलिए उन्हीं के शेर से मैं आज अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। जहां पानी अता कर दे भारी जन्नत हेबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हेवा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है जिसे चाहे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से काट कर दे, क्या कहना जुबान अल्लाह बोलिए, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे और सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमा कर दे सुरैया को सरा कर दे। और फिर सुनिए ये शेर, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, और जो नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बेरादर सबके सब उन पर फिदा कर दे, पेदर मादर बेरादर सबके सब उन पर फिदा कर दे। और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर वो यावर हैं, बोल दीजिए, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को मेरी खुद गिरफ्तारे बला करते हैं। आप मेरे उताजु शरिया का शेर सुन लिया, अब आइए इसी नेहत पर मैं बोलने की कोशिश करूंगा। आकाए कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बात छोड़ दो, सरकारें दो जहां का तस्करा हम कर रहे हैं उनकी रिफत की बात ना करो, उनकी असमत की बात ना करो, उनके मकामों मनसब की बात ना करो। मेरा नबी वो नबी है जिसके सदके में कायनात बनी है, जमीनो समा बने हैं, मकीनो मका बने हैं, लोहो कलम बने हैं, अर्शो फर्श बने हैं, पूरो खिलमान बने हैं, जन्नत और रजवान बने हैं, फलक और मलक बने हैं, अंबिया उन्हीं से, अतकिया उन्हीं से, अतफिया उन्हीं से, अखवास उन्हीं से, अब्ताल उन्हीं से, अख्ताब उन्हीं से, खाजा उन्हीं से, मखदूम उन्हीं से, मुतद्दिद उन्हीं से, ईमान उन्हीं से, इकान उन्हीं से, इस्लाम उन्हीं से, कुरान उन्हीं से मिला और खुदा का पता भी मुस्तफा से मिला है। लेकिन ए लोगों, मेरे आका की बात छोड़ो, आओ मुस्तफा के गुलाम की बात करते हैं, नबी के चाहने वालों की बात करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों की बात करते हैं, जो दुनिया की नजर में फकीर है, जो दुनिया की नजर में फटा पुराना कपड़ा पहनता है, लोग उसे मजबूर समझते हैं, लोग उसे लाचार समझते हैं, लेकिन उनका हाल ये है कि वो जो चाहे वो अता कर सकते हैं। अरे नबी तो मालिक है, जन्नत है वो, कासिम नेमत है वो, तो देते ही है, नबी का गुलाम चाहे तो जिसको चाहे उसे जन्नत अता। और अगर यकीन नहीं आए तो मैं ये भी आपको बताऊंगा। आइए, दुनिया वाले आज कह रहे हैं हमने तरक्की कर लिया। मैंने कहा क्या तरक्की कर लिया, बोला ये सारी चीजें जो तुम देख रहे हो ये हमारी तरक्की है, कर लो दुनिया मुट्ठी में ये हमारी तरक्की है, ट्रेन को तीन इंच चौड़ी पटरी में दौड़ा रहे हैं ये हमारी तरक्की है, तनो टन बदनी हवाई जहाज को हवा में उड़ा दे रहे हैं ये हमारी तरक्की है। अमरीका ने कहा सबसे बड़ी तरक्की मैंने की है। मैंने कहा अमेरिका तूने क्या किया है, बोला एक आइटम बम बनाया है, किसी देश में मार देंगे सब मर जाएंगे ये हमारी तरक्की है। मैंने कहा हाँ हाँ अमेरिका तुमने एक आइटम बम बनाया, किसी देश में गिरा दो सब लोग मर जाए, ये अमेरिका एक ऐसा बम बनाओ कि किसी कब्रिस्तान में गिरा दो और सारे मुर्दे जिंदा हो जाए, एक बम तुमने मारा सारे लोग मर गए, एक बम गिराओ सब लोग जिंदा हो जाए,
अमरीका बोला हम मारना जानते हैं, चिल्लाना नहीं जानते, बर्बाद करना जानते हैं, आबाद करना नहीं जानते। मेरे गौस की रूहानियत ने पुकार के कहा, ए मेरे गुलामों, तुम अमरीका से कह दो, ए अमरीका, तू मारना जानता है, मेरा गौस मुर्दे को चिल्लाना बर्बाद करना जानते हो, इस्लाम लोगों को आबाद करना जानता है। आइए चलो थोड़ी देर के लिए हम लाहौर चलते हैं। लाहौर में कौन है? मेहर अली शाह है, हाथ में तस्बीह है, अल्लाहू अल्लाहू की सदा बुलंद कर रहे हैं। उधर से एक झंटुल मैन जा रहा है, टाई लगा के जा रहा है, जींस पैंट पहन के जा रहा है। देखा एक फकीर बैठा है, सोचा के मजाक उड़ाए, नजदीक गया और जाके पूछा, ओ बाबा क्या कर रहे हैं? तो आपने देखा और देखा तो चेहरे ही को नहीं देखा, नीयत को भी देख लिया है, दिल को भी पढ़ लिया है। और आपने फरमाया, ओ जेंटलमैन तुम क्या कर रहे हो? बोला बाबा मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ। बाबा आप किसकी ड्यूटी में? फरमाया तुम किसकी ड्यूटी में? बोला मैं गवर्नमेंट की ड्यूटी में हूँ। तो आपने फरमाया मैं अपने आका की गुलामी की ड्यूटी में हूँ। कहा बाबा हाथ में क्या है? तो आपने फरमाया तेरे हाथ में क्या है? उसने रिवाल्वर निकाल के कहा बाबा ये हथियार है। तो आपने अपनी तस्बीह हिला के फरमाया ये भी हथियार है। कुछ बोलते रहिए आप लोग। हाँ बाबा ये हथियार कहाँ से मिला? फरमाया तुझको ये हथियार कहाँ से मिला? बोला बाबा मैं अफसर हूँ ना, हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। फरमाया मैं गुलाम हूँ ना, हमें बड़े पीर ने दिया है, गौसे आजम ने दिया है। कहा बाबा आप अपने हथियार से क्या करते हैं? फरमाया तुम अपने हथियार से क्या करते हो? कहा देखिएगा मेरे हथियार का कमाल। फरमाया दिखाओ, रिवाल्वर निकाला, तरफ पे चिड़िया बैठी थी, निशाना लगाया, गोली मारी, चिड़िया गिरी, मर गई। आया सीना चौड़ा करके बोला, ओ बाबा देखा मेरे हथियार का कमाल, जो हमसे टकराता है उसका यही हश्र होता है। इतना सुंदर था कि वज्र में आए, आप उठे, अपनी तस्बीह लिया, चिड़िया से टच कर दिया, चिड़िया जिंदा हो गई। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे जोर से, जोर से जरा। हमारे अहले सुन्नत टावर में है ना आप लोग? टावर में फुल टावर है ना? हाँ तो कवरेज एरिया में रहिए, इस अंदाज से रहिए कि खुदा का नाम लिख देना। टावर में कवरेज एरिया में जिन लोगों ने अपना मोबाइल ऑन नहीं किया है वो सारे लोग ऑन कर दीजिए, जिन लोगों का मोबाइल ऑफ हो वो लोग ऑन कर दीजिए, मगर खबरदार नोकिया को ऑन मत कीजिएगा, मोटोरोला को ऑन मत कीजिएगा, सैमसंग को ऑन मत कीजिएगा। ए मेरे आका की महफिल में आने वालों, कादरी मोबाइल को ऑन करना है, चिश्ती मोबाइल को ऑन करना है, सहरवर्दी मोबाइल को ऑन करना है, नक्शबंदी मोबाइल को ऑन करना है। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सिल्वर आता है, एयरटेल आता है, एयरसेल आता है, हच आता है, रिलायंस आता है, मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है, चिश्ती मोबाइल ऑन होता है तो सुभान अल्लाह का नेटवर्क नजर आ जाता है। तो अब हम बोलेंगे नहीं के सुभान अल्लाह बोलिए। आज के जलसे का स्टडी कोड मैं दे रहा हूँ, अभी दो दिन और आपको जलसा सुनना है, स्टडी कोड याद रखिए। मैं पढ़ूँ आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊँ तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दी, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए, है ना। खुदा का नाम लिख देना, कोड याद रखिए, कोड याद रखिए, खुदा का नाम लिख देना। अभी दो ही पॉइंट हुआ है भाई, पूरा फुल नहीं हुआ है, नोकिया में पांच पॉइंट होता है, कोशिश कीजिए फुल हो जाए। खुदा का नाम लिख देना। और आप लोग एक्सचेंज वाला जो खड़े खड़े हैं, आप लोग का टावर ठीक ठाक है ना? अगर ठीक है तो उधर बैठ जाइए ना, कितना देर खड़ा रहिएगा, लेकिन वही बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए, जो लोग खड़े हैं और जोर से बोलिए, हर खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहां पे कुफर लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना, जहां पे माशाल्लाह।
अजी भाई आपके तरफ से उलमा की तरफ से जोर से भाई जोर से अल्लाह अकबर यार अल्लाह अकबर माशाल्लाह। एक मेरा दीवाना है उसको भी आप लोग भगा दीजिएगा क्या? एक बैठा है नारा लगा रहा है उसका भी आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा मैं अपने बड़े भाई नकीब आजम हिंदुस्तान की तरफ से एक शेर दे रहा हूँ और ये शेर नहीं है तावीज है, लेके जाइएगा और अपने घर के मेन दरवाजे पर लटकाइएगा। भगाना हो अगर से तावाबी और नजदी को तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का नाम लिख दो। क्या कहना तावीज ठीक है? अरे ठीक है फिर दे। भगाना हो अगर नजदी को तो बस दरवाजे पे खौसुल वरा गाना में लिख देना। बैटरी चार्ज हो रही है तो जरा सी आवाज आपकी बढ़नी चाहिए कि फुल चार्ज है आपके अंदर। जोर से बोल दीजिए। और मेरी बस शिष्य की खातिर ये सनद काफी है, ऐ लोगों कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना खुदा का। हाय माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अब आइए इसी हिंदुस्तान में अपने मुल्क में बात करते हैं, अपने मुल्क के लोगों की बात करते हैं। इसी हिंदुस्तान में फकीर सोया है जिसे दुनिया अताए रसूल शहंशाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संसारी अलैहि रहमत और रिजवान के नाम से जानती है। मालूम है मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अकाए कायनात का हुक्म हुआ मोइन इस्लाम फैलाना है और हिंदुस्तान में फैसला आना है। ऐसा सलाम के मुसलमानों, ऐ मरकजी सीरत कमेटी के लोगों, मैं आपको मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि आपने मौजू ऐसा दिया है कि हम वो हैं जो फकीरी में भी बादशाही करते हैं, हम वो हैं जो मरने के बाद भी हुकूमत करते हैं। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल बारगाह मुस्तफा में मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। सरकार हिंदुस्तान जाएंगे कहाँ है हिंदुस्तान, कैसे जाएंगे हिंदुस्तान? अभी ये सोच ही रहे थे कि आंख लगी और आंख लगी तो हाथ में एक पुरसा था। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन के हाथ में हिंदुस्तान का नक्शा अता फरमा दिया। मोइनुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, इस रास्ते जाओगे ये लाहौर है, ये अफगानिस्तान है, ये बॉर्डर है, ये देखो दातागंज बख्श का मजार है, ये देखो दिल्ली है, ये देखो अजमेर शरीफ है। मोइनुद्दीन तुम्हें इसी तरफ से जाना है। मेरे ख्वाजा के हाथ में हिंदुस्तान का नक्शा मिल गया और चल दिए मेरे ख्वाजा अकेले। क्या कहना बोलिए जबान। अकेले मेरे ख्वाजा रवाना हो गए मगर है ना मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरे ख्वाजा अकेले चले मगर 40 लोग मेरे ख्वाजा के साथ हो गए, 40 नफूस से कुदसिया की टीम तैयार हुई और मेरे ख्वाजा अफगानिस्तान होते हुए लाहौर में इन कर रहे हैं, बॉर्डर पार कर रहे हैं। इधर से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज जा रही है, देखा एक अल्लाह वाले को तो सारे फौजियों ने देख करके परमला कहा, चेहरा बता रहा है आले रसूल जा रहे हैं, लिबास बता रहा है नबी का दीवाना जा रहे हैं और ये सीरत बता रही है कि नबी के सच्चे आशिक जा रहे हैं। कहा हुजूर कहां जा रहे हैं? फरमाया अजमेर शरीफ जा रहा हूं। मत जाइए, वहीं से हम लोग आ रहे हैं, मार खा के आ रहे हैं, शिकस्त खा के आ रहे हैं, कुछ लोग पकड़ा गए, हम लोग भागने में कामयाब हो गए। लाहौर में रहिए या अफगानिस्तान चलिए, अजमेर शरीफ मत जाइए। तो मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया मोइनुद्दीन लौटने के लिए नहीं आया है, कयामत तक इसी जमीन पर सोने के लिए आया। जोर से और मोहब्बत से अपने ख्वाजा के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह।
मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया, जाओ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से कह देना कि फकीर है फकीर जो लौटना नहीं चाहता, जाओ तुम इसलिए कि तुम गौरी के हुक्म से गए थे और मोइनुद्दीन नबी के हुक्म से जा रहा है, ये लौटने वाले नहीं। और दुनिया ने देखा कि अकेले मेरे ख्वाजा अखंड भारत में पहुंच गए और पृथ्वी राज के गढ़ में जाकर के इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। बैठ गए मेरे ख्वाजा, गौर करो मेरे भाई, 40 करोड़ हम लोग हैं, ये है हालत। ट्रेन में चढ़े कि नहीं, प्लेन में जाए कि नहीं, दाढ़ी रखे कि नहीं, नमाज पढ़े कि नहीं, मगर मेरे ख्वाजा अकेले आए थे। अकेले जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, उसका जवाब मेरे ख्वाजा दे रहे हैं, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, नबी के किरदार से फैला है, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत से फैला है। मेरे ख्वाजा पहुंच गए अजमेर शरीफ, बैठ गए चटियल मैदान में, अजान का टाइम तो डरे नहीं, मुरीद से फरमाया अजान दे दो। अजान जब सुना लोगों ने तो हंगामा मच गया, ये कौन आ गया, किसने अल्लाह पर की सदा बुलंद कर दी। पृथ्वीराज जब हंस गया, कहा गजब हो गया महाराज, कहा क्या हुआ, बोला एक बाबा आया है और बैठ गया है और अजान दे रहा है, नमाज पढ़ रहा है। बोला जाओ उनको भगाओ। कैसे भगाएंगे? बोला बोल देना यहाँ के राजा का ऊंट बैठता है। आया सिपाही ने कहा बाबा उठ जाइए, यहाँ राजा का ऊंट बैठता है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मैं तो थोड़ी सी जगह में बैठा हूँ, पूरा मैदान पड़ा हुआ है, बैठाओ अपने ऊंट को। बोला यही बैठेगा और आपको उठना पड़ेगा। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया मैं तो उठ जाऊंगा, तेरा ऊंट बैठ जाएगा। क्या फकीर का दर्जा है वो सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मैं तो उठूंगा, तेरा ऊंट बैठ जाएगा। क्या कहना, जाइए जाइए, बहुत फकीर को देखे हैं, ऊंट बैठ जाएगा। फरमाया मैं जा रहा हूँ। थोड़ी दूर जाके बैठ गए मेरे ख्वाजा और इन लोगों का ऊंट बैठा, रात भर बैठा, सुबह हो गई बैठा रहा, सूरज निकल गया बैठा रहा, सूरज चढ़ गया बैठा रहा, मार लाठी के डंटा तोड़ दिया मगर ऊंट नहीं उठा। ऊंट सर हिला के कह रहा था जिस बाबा ने बैठाया है जब तक वो नहीं उठाएंगे तब तक नहीं उठूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गया पृथ्वीराज के पास, महाराज गजब हो गया, कहा क्या हुआ। बोला उनको तो उठा दिया मगर उन्होंने ऊंट को बैठा दिया। कहा पागल है क्या, जाओ उठाओ ऊंट को, लाठी मारो। बोला सारी लाठियां टूट गई। बोला कि वही फकीर तो नहीं है जिसके बारे में मेरी माँ ने कहा था, देखो देखो जाके माफी मांग लो, हाथ पैर जोड़ दो। जोड़ा, बाबा ऊंट पर रहम कीजिए, ये भूखे मर जाएंगे। तो मेरे ख्वाजा को रहम आ गया, क्या कहना है। फरमाया तेरा ऊंट तो चरने गया, तू यहाँ क्यों आया। और जब देखा तो ऊंट 140 की स्पीड में भाग रहा था। बोला रुको, ऊंट ने कहा जिन्होंने बैठाया था उन्हीं ने उठा दिया है, अब मैं रुकने वाला नहीं, चला मैं जंगल चरने। ये लोग हैरान हो गए। पृथ्वीराज से कहा अजीब आदमी है, वो आदमी है लगता है देवता आ गया, हम लोग का देवता भाग रहा है, बैठ गए, आजान दे रहे सब देवता, हम लोग का उड़ान हो गया, इनको किसी तरह भगाइए। बोला कैसे भगाऊं। बोला पानी बंद कर दीजिए। कहा ठीक है, जाओ पहरा लगा दो। अना सागर पे पहरा लग गया। ख्वाजा ने अपने मुरीद से फरमाया जाओ पानी लेकर जाओ। गया मुरीद तो सिपाहियों ने कहा जाओ भाग जाओ यहाँ से, पानी नहीं मिलेगा, बाबा से कह देना पानी बंद। आया मुरीद, फरमाया पानी ले नहीं लाए। कहा हुजूर पानी बंद। फरमाया ये करबला नहीं है, ये अजमेर है। बोलिए बोलिए, ये करबला नहीं है, अजमेर है। पानी मुझ पर बंद करेगा, उन्हीं पर पानी बंद हो जाएगा। जाओ ये कटोरा लेकर के जाओ और जाकर के पानी से कहना ए पानी, तुम्हें हिंदुस्तान का फकीर बुला रहा है। ये भीख मांगने वाला फकीर नहीं, ये मुस्तफा की बारगाह का फकीर है, नबी से लेता है जमाने को। फरमाया जाओ पानी से कहना। आज का मुरीद होता आसिफ भाई तो बोलता पिटवा दीजिएगा क्या, एक मर्तबा तो किसी तरह जान बचा के आए, अब कटोरा दे रहे कितना आवेगा। मगर वो ख्वाजा का मुरीद था, क्या कहना।
अरे आज के मुरीद नहीं थे, पहले के मुरीद पीर, पीर उस्मान हारूनी होते थे और मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज होते थे, पीर ख्वाजा गरीब नवाज होते थे और मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन होते थे, पीर बाबा कुतुबुद्दीन होते थे और मुरीद बाबा फरीद होते थे, पीर बाबा फरीद होते थे और मुरीद अलाउद्दीन साबिर पिया होते थे। अरे पीर जो है आले रसूल महरबी होते थे और मुरीद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, वो पीर और मुरीद थे। आप लोग पास पैसा उसा नहीं है, कोई बात नहीं, हाजा का सदका, आप लोग जुबान अल्लाह बोलिए, कोई बात नहीं, नोट आपको, आपके उससे कोई शिकायत नहीं है, मोदी ने बंद कर दिया था, आप लोग कहां से दीजिए, नोट बंदी का असर सब जगह है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, एक है नोट एक है होंठ, ठीक है, नोट तो खत्म हो जाता है मगर अल्लाह ने जो होंठ दिया वो कभी खत्म नहीं होता, तो होंठ का नजराना दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्दा दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह माशाल्लाह। हजरत मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने मुरीद से फरमाया, जाओ पानी लेके आओ, मुरीद गया और पानी से कहा ए पानी तुम्हें हिंदुस्तान के राजा बुला रहे, तो मालूम है अना सागर का पूरा पानी कटोरे में चला, सुभान अल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह, ये फकीरी में बादशाही है यही है, पानी सारा इसमें, जो लोग पानी बंद किए थे वही पानी पानी हो गए, जो पानी बंद किए थे वही पानी पानी, पृथ्वीराज ने कहा अरे मेरे महल का पानी खत्म है, सप्लाई बंद है, बिजली नहीं है, कहा बिजली महाराज पानी रहे तब ना सप्लाई करे, बोला पानी क्या हुआ, बोला वो फकीर ले गया, अरे किस में ले गया, बोला कटोरे में, किस फैक्ट्री में वो कटोरा बनाया था कि सारा पानी इसी में आ गया, कहा महाराज कटोरा तो छोटा ही था मगर क्या पावर था, खींचा तो खींचता चला था, नदी नाला सब सूख गए, और एक तारीख में है आसिफ भाई जानवरों के थनों से दूध सूख गया, जी हाहाकार मच गया, पृथ्वीराज ने कहा बोलते थे ना इनसे मत टकरा, ये आदमी आदमी देवता, हम लोग बीवी को नहीं बोला पाते हैं ये पानी को बोला ले, हम लोग नौकर को नहीं बैठा पाते हैं ये जानवर को बैठा देते हैं, इनसे मत टकरा, एक ही रास्ता है पानी के लिए जाकर के माफी मांगो कि बाबा गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, चला और ख्वाजा का मुरीद पानी लेकर के चला गया, ले आए रख दो, वाह रे मेरे ख्वाजा आप चाहे तो आना सागर को कटोरा बना दे, कटोरा को चाहे तो आना सागर, अरे क्या कहे, वाह वाह लेकर के मेरे ख्वाजा के पास रख दिया, तुम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, रख दिया, अब वो लोग आए पानी बंद, एक मिनट के लिए करबला चलिए, जाकिर नायक नालायक कहता है कि हुबी महिमा में हुसैन को पावर नहीं था, दो शहजादों की लड़ाई थी, यजीद हक पर था, अगर हुसैन को पावर होता पानी मंगा लेते, मैंने अर्ज किया ए इमाम हुसैन आपने पानी को क्यों नहीं मंगाया, ख्वाजा पानी मंगा रहे हैं, आपका गुलाम कटोरे में मंगा रहे हैं, आपने नहरे फौरात को क्यों नहीं मंगाया था, तो हुसैन जवाब देंगे एक होता है इस्लाम फैलाना, एक होता है इस्लाम बचाना, इस्लाम फैलाया जाता है तो करामत दिखाई जाती है और इस्लाम बचाया जाता है तो इस्तकामत दिखाई जाती है, मेरा ख्वाजा इस्लाम फैलाने गया था और मैं करबला में इस्लाम बचा रहा हूं, अरे क्या कह रहा, वाह 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 माशाल्लाह, क्या अच्छा फलसफा है, वाह वाह, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह माशाल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, आया अच्छा, एक मिनट है आसिफ भाई, आप हमको हौसला दे रहे हैं इसलिए एक और जुमला याद आ गया, जो लोग कहते हैं जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, ख्वाजा ने सब पानी मंगा लिया था, अगर ख्वाजा मेरे ये कह देते कि जब तक पानी का एक कतरा तुम तलब करोगे तो मैं उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक कलमा नहीं पढ़ लोगे, कसम खुदा की अभी एटीएम के सामने नंबर लगा हुआ है ना, 4 बजे भोर से लग जाता है ना कि 2000 मिलेगा, जान बचेगी, बाल बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, यहाँ पानी का मामला था, अरे खाना के बगैर रह सकते हो, पानी के बगैर नहीं रह सकते, ख्वाजा कह देते जब तक कलमा ना पढ़ोगे पानी न
کے لوگ کلمہ پڑھ جاتے صحیح تیری مان ہو جاتے مگر میرے خواجہ نے فرمایا میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں معاف کرنا جانتا ہوں لوگوں پہ رحم آیا کہا مہراج کی طرف سے آدیش ہے کہ بابا سے معافی مانگ لو حضور ہم لوگ سے غلطی ہو گئی پانی دے دیجیے ہمارے بال بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں جانور سب لوگ بے چین بے قرار ہیں تو میرے خواجہ نے مرید سے فرمایا جا انا ساگر میں اس کٹورے کو ڈال دے اور جب ڈالا تو انا ساگر لبالب بھر گیا اب بھی آپ لوگ سبحان اللہ نے بولیے آپ لوگ بھی کبھی ایسا کرتے ہیں کٹورا کو تالاب بنا دیتے اور تالاب کو کٹورا بنا دیتے اگر یہ بہت بڑی کرامت ہے اور فقیری میں بادشاہی ہے تو بولنا چاہیے نا سبحان اللہ پانی بھر گیا پرتھوی راج نے کہا سنو ان سے مت ٹکراؤ ان سے ٹکراؤ گے تو میری ماں بولی تھی کہ ایک فقیر آئے گا جو تیرے تخت و تاج کو برباد کر دے گا ان سے مت ٹکراؤ مگر چمچہ ہمیشہ برباد کرتا جتنا منتری ہے چمچہ برباد کرتا مودی جی کو بھی کوئی چمچہ ہی بولا ہوگا کہ نوٹ بند کر دیا اب چمچہ تو بول دیا گالی سن رہے مودی جی لوگ مر رہے چمچہ اپنا کام کر لیا ابھی ٹرین میں آ رہے تھے دس آدمی بول رہے تھے غلط کیا ایک آدمی بول رہا تھا صحیح کیا ہم نے کہا ایک دم ایک نمبر کا آپ چمچہ ہیں آپ سے بڑا چمچہ مودی کا کون ملے گا بہار میں ایک بہار یہ سب بات مت کیجیے اچھا کیا ہے ہمارا مر رہا ہے آدمی اچھا کیا ہے مارنے میں تو تم لوگ کو اچھا لگتا ہی ہے پورے انڈیا میں مارو تو تم لوگ کو اچھا لگتا ہے برکت دوست میرے خواجہ ان کے راجہ نے پانی دے دیا پرتھوی راج نے کہا اس فقیر سے لڑنا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے لیکن چمچہ نے جا کر کہا مہاراج اس سکٹ موچن کو کب استعمال کیجیے گا بولا کون سکٹ موچن بولا اجے پال جو کھلا کھلا کے جو مشٹنڈا کر رہے ہیں کون دن آزمائیے گا یہی موقع سرکاری خزانے سے توند کو پھیلا رہا ہے کب لڑائیے گا بولا یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو بولا جنگل میں رہتا تھا بہت بڑا جادوگر تھا ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر اجے پال جوگی گیا اس کے بعد کہا مہاراج بولا رہے ہیں ایمرجنسی سمجھ گیا کہ کچھ کیس ہے آیا کہا مہاراج ٹھیک ٹھاک ہے نا بولا سب ٹھیک ہے بولا میرا کام کیا ہے بولا ایک فقیر ہے جس کو تم کو بھگانا تو بولا ایک فقیر کے لیے ہم ہی بچے ہوئے ہیں یہ راجپوت والی فوج آپ کی کہاں گئی یہ چھوٹا موٹا کام ہم سے مت کروائیے یہ میری شان کے خلاف ہے پرتھوی راج نے کہا تم کو چھوٹا نظر آ رہا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے یہ تم کام کر دو گے سونے سے تول دیں گے بولا یہ تو چٹکی میں ہو جائے گا مگر یہ چھوٹا کام ہم سے مت کروائیے اپنی فوج کو بھیجیے جملہ سنیے گا اس کا صحیح استقبال کیجیے گا پرتھوی راج نے کہا ارے جو تلوار لے کے آئے تھے اس کو تو ہم نے بھگا دیا مگر یہ فقیر تلوار لے کے نہیں قرآن لے کے آیا ہے اور اس کو بھگانا تو دور کی بات ہے ہلانا مشکل ہے ہلانا مشکل ارے یہ آدمی ہے آدمی اونٹ کو کہتا بیٹھو تو بیٹھ جاتا چرنے کہو تو چلا جاتا پانی کو کہتا کٹورے میں تو آ جاتا کہتا ساگر میں چلا جاؤ چلا جاتا ہم لوگ تو مکھی نہیں بھگا پاتے اور یہ پانی پر حکومت کرتا کہا ایسا ہے تو میں ڈائریکٹ نہیں یہ کام کروں گا میرا دو چیلا ہے پرتھوی راج نے کہا زیرو میں بولڈ ہو جائے گا کیپٹن اترو کا نہ کیپٹن بعد میں ڈنکا پٹوا دیجیے ڈنکا پٹوا دیا گیا پورے اجمیر کے لوگ جمع ہو گئے کہ آج اجے پال جوگی کا مقابلہ ایک اللہ والے فقیر سے ہے کرسیاں لگ گئی سارے وزرا بیٹھ گئے اور اس کے بعد پرتھوی راج نے کہا جاؤ کہا نہیں نہیں ایک اوپنر میرا ہے جو آسٹریلیا میں کھیل چکا ہے فاسٹ پچ کو وہ برداشت کر چکا اس کو بھیجتے ہیں بولا رہے یہ بہت خطرناک ہے پہلے ہی گیند میں زیرو میں بولڈ کر دیں کنے میں دیکھیے گا یہ چلا اور میرے خواجہ کے پاس ایک مرید آیا کہا حضور یہ آخری اوور ہے اب کیا ہوگا تو میرے خواجہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ایک لکڑی کی ٹہنی لا
और एक लकड़ी की टहनी मेरे ख्वाजा के दस्ते मुबारक में दिया और चारों जानिब जमीन पर एक निशान खींच दिया। फरमाया इसके अंदर रहो, तमाशा देखते रहो। उसके बाद इधर से चला अजय पाल का एक शागिर्द और उसको कहा कि तुम अजदहा सांप बन जाओ, और अजदहा सांप बन के जितने ख्वाजा के मुरीद हैं सबको निकल जाओ। ये जादू की बुनियाद पर बड़ा सा अजदहा सांप बन गया, लहराता हुआ चला। और जब उस निशान के पास पहुंचा तो सांप सांप नहीं रहा, रस्सी हो गया। जोर से जोर से, मेरे ख्वाजा ने जिस निशान को खींच दिया था वो जादू वहीं दम तोड़ दिया, और जो सांप बन के गया था वो रस्सी बन करके पड़ा हुआ है। पृथ्वीराज ने कहा, बोला था ना पहला ओपनर पहली गेंद में जीरो में बोल्ड हो गया, खाता भी नहीं खोल पाया। बोलते हैं बहुत खतरनाक है, तुम जाओ खा रहे हो इसीलिए ना। बोला धीरज रखिए महाराज, एक और ओपनर है गंभीर को भेज रहे, कब भेजो भेजो भेजो, ये भी जीरो में आएगा। चला इसको कहा कि तुम आग बन जाओ, और आग बन करके सोलह एक जवाला बन के ऊपर से सब पर गिरो और सबको जला दो। और ये जादू की बुनियाद पर आग की शक्ल अख्तियार किया, सोलह एक जवाला बन करके गया, मगर जब उस निशान के पास पहुंचा तो आग आग नहीं रही, शबनम हो गई। जोर से पृथ्वीराज ने कहा, सब विकेट गिरा के तुम जाएगा क्या? अरे तुम जा। बोला अब हम ही जा रहे हैं कप्तान, इन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया है, अब मैं आसमान से हमला करूंगा। अब बड़ा जादूगर, इंडिया का सबसे बड़ा जादूगर, वो हेलीकॉप्टर बन गया और हवा में उड़ने लगा और चाहा ऊपर से हमला करें तो मेरे ख्वाजा को अब जला लाया, और पैर में जो लकड़ी का खड़ामन पहने थे उसको हाथ में लिया, हवा में फेंका और फरमाया खड़ामन से नौकर से नहीं, खड़ामन से मेरे ख्वाजा ने फरमाया, अजय पाल ऊपर है तू नीचे क्या कर रही है, जाओ पकड़ करके उसे मेरी बारगाह में लेके आ। जोर से तो खड़ामन उड़ गई और अजय पाल से ऊपर तड़ाकर सर में। बोला ये दूसरा पावरफुल सुपर पावर कहां से आ गया भाई, मैं अकेला सुपर पावर हूँ, ये कौन हेलीकॉप्टर गया, खड़ावन से तू कौन है? तो खड़ावन बोली, मैं ख्वाजा के कदम की जूती हूँ, नीचे जाओगे के भेजा निकाले? बोला नहीं नहीं, दिमाग मेरा ठीक हो गया, दो ही मर्तबा में मेरा ख्वाजा हो गया है मेरा मिजाज, मौका दो नीचे उतरने का। बोला इमरजेंसी उतारो वरना अबर मारेंगे तो भेजा और खोपड़ी इधर उधर हो जाएगी। बोला ना 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 ना, मैं समझ गया, मैं नीचे जा रहा हूँ। और इमरजेंसी उसने अपनी हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और मेरे ख्वाजा का कदम पकड़ लिया। और आहिस्ते सुभान अल्लाह बोलिए, कोई सुनेगा क्या कहेगा? हाँ हाँ, पुलिस वाले आ जाएंगे। और आहिस्ते बोलिए, यार आहिस्ते बोलिए, क्या यार? मेरे ख्वाजा हिंद के राजा के कदम पकड़ के खड़ावन जो बगल में थी, अजय पाल बोला, हुजूर इसमें कौन करंट आपने भर दिया था, क्या मार रहा था, अगर एक दो मर्तबा और हम मौका देते तो जिंदा नहीं आते, हुजूर इसमें कौन सा करंट है? फरमाया ये बिजली का करंट नहीं, ये रूहानी करंट है, ये ईमानी ताकत है। आहा, अजय पाल बोला, सरकार जब ब्यूटी का ये आलम है तो आपके करंट का आलम क्या होगा, और जब आपकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता तो मदीने वाले मुस्तफा की ताकत का अंदाजा कौन लगाएगा? सरकार हमें भी कलमा पढ़ा के साहिब ईमान बना दीजिए। अब मैं हसी भाई बलमाइकराम आप लोग तरफ से नुक्ता सुनिए, मेरे ख्वाजा ने जब पानी मंगाया तो किसको भेजा था? जल्दी बोलिए, मुरीद को ना। और जब आदमी जयपाल को बुलाए तो किसको भेजा? खड़ावन को। पानी मंगाया आदमी से और आदमी को मंगाया खड़ावन। अरे यहाँ गौर कीजिए, ख्वाजा किसी मुरीद से कहते थे उड़ जाता और फरमाते पकड़ करके लाओ तो ऊपर ही से गर्दन पकड़ के ले आता, मगर मेरे ख्वाजा ने मुरीद से नहीं फरमाया, लकड़ी से फरमाया तुम पकड़ के लाओ। ए मेरे ख्वाजा, आपने मुरीद को
क्यों नहीं भेजा, तो खाजा जवाब देंगे दुनिया का बादशाह आदमी से आदमी को पकड़वाता है, चोर भी आदमी है, पुलिस भी आदमी है, आदमी को आदमी से पकड़वाने के लिए भेजता है, आदमी से आदमी को पकड़वाना दुनिया का बादशाह जानता है, और लकड़ी से आदमी को पकड़वाना नबी का गुलाम जानता है, दुनिया का शहंशाह नहीं बल्कि मुस्तफा का अदना गुलाम जानता। और जरा सा गौर कीजिए, जयपाल जो माशाल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, यही फकीरी में बादशाही है। और 800 साल का जमाना गुजर गया, मेरे ख्वाजा का चर्चा आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह कयामत तक होता रहेगा। देखिए, जो कुर्सी में रहता है उसी का चर्चा होता है, कुर्सी से गया कोई पूछने वाला नहीं है। पहले वाजपेयी जी बोल रहे थे, मनमोहन सिंह सेंटिंग में लगे हुए थे, वाजपेयी जी गए, मनमोहन सिंह आए और उसके बाद वो गरजने लगे तो ये मोदी जी किनारे थे, अब मोदी जी गरज रहे हैं, मनमोहन सिंह किनारे हैं। कल बंगाल में दादा बोल रहे थे तो दीदी चुपचाप थी, आज दीदी बोल रही है दादा चुपचाप नजर आ रहे हैं। जिसकी कुर्सी है उसी की चलती है, मगर वाह रे मेरे खाजा, आप नबी के गुलाम बन के आए, कुर्सी पर नहीं बैठे मगर चर्चा आज भी हो रहा है और कयामत तक हो। और जो लोग कहते हैं इस्लाम हम फैला रहे हैं, ये तबलीगी जमात, ये इस्लाम नहीं फैला रहे हैं, ये मस्जिद में टांग फैला रहे हैं, लहसुन प्याज फैला रहे हैं, अदरक को फैला रहे हैं, इस्लाम तो मेरे ख्वाजा ने फैलाया है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इनका चेहरा देख लीजिए तो दिन भर नाश्ता नसीब ना हो, दुकानदार सुबह सुबह देख ले तो बोहनी ना हो, और मेरे ख्वाजा का चेहरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, काफिर देखता था तो कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो जाता था, और ये कहता था अरे हुसैन की आल इतनी अच्छी है तो करबला वाले हुसैन कितने अच्छे होंगे, और जब हुसैन इतने अच्छे हैं तो मदीने वाले मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, बस आखिरी शेर है सुभान अल्लाह की गूंज में सुनिए, तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, हम चुप हो जाए आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, अरे काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का, क्या जाने कोई क्या है, रोजा मेरे ख्वाजा का, क्या जाने कोई क्या है, रोजा मेरे ख्वाजा का, पस्तूर का जलवा है, अरे बस्तूर का जलवा है, जलवा मेरे ख्वाजा का, बस्तूर का जलवा है, जलवा हाय माशाल्लाह। एक शेर सुन लीजिए, जिस दिन मेरे ख्वाजा का उर्स होता वो दूल्हा बनते हैं, अभी सीजन है लोग दूल्हा बन रहे, कोई गया से सेहरा मंगा रहा, कोई सासाराम से मंगा रहा, कोई बहुत पहुंच वाला है तो कलकत्ता से मंगा रहा, लेकिन जो कलकत्ता से लाएगा 20 मरतबा दिखाएगा, इसको देखिए ना, इसको देखिए ना, ये सेहरा देखिए, मतलब ये कलकत्ता से आया, अहमियत जता रहा है। अब जरा मेरे ख्वाजा का सेहरा देखिए, फुलाए हैं जन्नत से खुशबू है मदीने की, फुलाए हैं जन्नत से खुशबू है मदीने की, गूंधा है फरिश्तों ने, अरे गूंधा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा का, गूंधा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा का, और शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है, शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है, आया है मदीने से, और आया है मदीने से जोड़ा मेरे ख्वाजा का, आया है मदीने से जोड़ा मेरे ख्वाजा का। आसिफ भाई जो आप हमको मिसरा दिए थे, इस आखिरी मिसरे पर मेरी तकरीर और मेरा मौजू समाप्त हो जाएगा, नजरों में नहीं भाती कौनैन की सुल्तानी, नजरों में नहीं भाती कौनैन की सुल्तानी, शाहों से भी अच्छा है, जोर से जोर से, अरे शाहों से भी अच्छा है मंगता मेरे ख्वाजा का, शाहों से भी अच्छा है,
अल्लाह आपके सुनने को मेरे बोलने को कबूल फरमा ले। मरकजी सीरत कमेटी के सारे ओहदेदारान को अल्लाह सलामत रखे और हमारे जहीरुद्दीन मरहूमा मकबूर दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौजूदगी में बहुत आता था, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजे दारे हरम, शहरे यारे इरम ताजे दारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद सीख गए हाँ रजा वो रजा, आला हजरत बरेली के साथ जिनकी हर हर अदा, सुनते मुस्तफा उस इमाम अली सुन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला अलिका व असहाबिका व जमी उम्मतिका या रसूलुल्लाह। اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। بار الہ مالک بندہ نوازا، منتظمین کے انتظام کو قبول فرما لے، سامعین کی سماعت کو قبول فرما لے، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے، خطبہ کے خطابت کو قبول فرما لے، شعرا کے اشعار کو قبول فرما لے۔ مولا جن لوگوں نے دامِ دیر میں قدمِ سکنے حصہ لے کر کے تیرے محبوبین کی محفل سجائی ہے، اللہ تو ان کے گھروں کو سجا دے، تو ان کے دلوں کو سجا دے، تو ان کے قبر و حشر کو سجا دے، تو ان کے مکان و دکان کو سجا دے۔ اے اللہ جو لوگ حاضر ہیں ان سبھوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما، کوئی بیمار ہو تو انہیں شفا عطا فرما، کوئی پریشان ہو تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، کوئی بے اولاد ہو تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مرکزی سیرت کمیٹی کے سارے عہدیداران کو اللہ دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے قبروں میں رحمت و نور کی بارش فرما، سارے لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ۔ سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمسالا روڈ، فینسی مارکیٹ، سسارام، ضلع روہتاس، بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔